आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। एक छोटा सा शब्द है गैग, जी ए जी, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ये लिखी है जी ए डबल जी ई डी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, जो पास्ट में यूज की जाएगी और परफेक्ट में यूज की जाएगी। देखें गैग का अर्थ क्या है, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा अर्थ है इसका, मुंह में कपड़ा थूक कर मुंह बंद करना, किसी का मुंह बंद करना, बिना कपड़ा थूके भी मुंह बंद करना, किसी का किसी को बोलने से मना कर देना, यानी वो बोल नहीं पाए ऐसा कर देना, गैग कहलाता है। ये एक वर्ब है। द किडनैपर गैग्ड द माउथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के मुंह में कपड़ा खींच के, किडनैपर अपहरणकर्ता ने बच्चे के मुंह में कपड़ा खींच दिया ताकि वो बोल ना सके। द किडनैपर गैग्ड द माउथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के मुंह में कपड़ा खींच दिया या कुछ और चीज खींच दी, कपड़ा ही खींचा जाता है, जिससे वो बच्चा चिल्ला ना सके, रो ना सके, बोल ना सके। Nobody can gag my mouth, कोई दुनिया में मुझे बोलने से नहीं रोक सकता, मेरा मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। अब इसी को कहना है, कितना यूजफुल है आजकल ये देखें। Nobody can gag people's mouth, लोगों का मुंह कोई दुनिया में बंद नहीं कर सकता, जनता का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। Nobody can gag people's mouth, मुंह बंद करना, बिना कपड़ा छूसे भी किसी का मुंह बंद करना गैग कहलाता है। My wife always gags my mouth, मेरी पत्नी हमेशा मेरा मुंह बंद करा देती है, हमेशा बंद करा देती है। She tried to gag child's mouth, उस बच्चे सच बोल जाते हैं, किसी के सामने सच बोल जाते हैं तो माँ कहती है चुप 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 चुप, बोल मत। शी या मदर, माई मदर ट्राई टू गैग मी, गैग माई माउथ, इस तरीके से कहते हैं, मेरी माँ ने मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश की। शी ट्राइड टू गैग चाइल्ड माउथ, उसने बच्चे का मुंह बंद कराने की कोशिश की। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।